अगला क्वेश्चन, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया था। अब आते हैं तारी विरोधी आंदोलन समझते हुए। देखो तारी विरोधी आंदोलन, अपने बिहार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी बिहार को बंद करा दिए, बिहार में शराब बंद करा दिया। लेकिन शराब बंद होने वाला थोड़े है भैया, आप शराब बंद करा रहे हैं, लोग और पी रहा है, दाम उसका बढ़ रहा है लेकिन लोग मान थोड़े रहा है। अरे बताओ, जौन नेता बोल रहा है सबकी शराब को बंद करवाइए, वही नेता अपने घर के अंदर पी रहा है तो शराब का घंटा में संबंध होगा, सिर्फ कहने से होगा कि शराब बिहार में बंद है, शराब बिहार में बंद हो गया, काम खत्म। कितनों कड़ाई कर लीजिए, पहले अपने घर के अंदर झांकिए कि हाँ भाई हमारे घर में कौन कौन शराब पी रहा है। स्वयं भारी नीतीश कुमार जी से रिक्वेस्ट है, तो पहले आप अपने पार्टी में देखिए कि आपके पार्टी में कौन कौन शराब पी रहा है सब। आपके विधानमंडल में वो मिला था ना वो शराब का बोतल, तब बोले थे क्या कि कार्रवाई होगी, कहाँ किसी पर कार्रवाई हो रही है, गाँव पर करवा, गाँव के अंदर कार्रवाई हो रही है। अरे पहले खुद के अंदर ताक झांक करिए कि हमारे पार्टी में जौन जौन है उस शराब का प्रयोग करता है कि नहीं। आपके साथ रहने वाला इंसान बोलता है शराब को बंद किया जाए, और वही सब ससुरी शराब पीता है सब, तो घंटा में सब बिहार सुधरेगा। बिहार में अगर शराब बंद करवाना है तो पहले अपने अंदर ताक झांक करिए। अगर सोचिए हम लोग को अपने देश को, हम लोग को क्या करना है, देश को सुधारना है भाई, तो देश को सुधारने के लिए बाहर के आतंकवादी को मारना पड़ेगा, देश के अंदर के आतंकवादी को मारना पड़ेगा। कोई इंसान अपने आप को सुधारना चाहता है तो वो किसी दूसरे को नहीं सुधार सकता है, मतलब वो अपने आप को तब सुधार सकता है ना जब वो अपने अंदर के बैठा उस शैतान को मार देगा। और बिहार में शराब ताड़ी या दारू तभी बंद होगा जब यहाँ के अंदर जो नियम कानून लगाए वो सब नेता सुधर जाएंगे तब, समझ में आ रही है। अब जैसे मान लेते हैं हम लोग बात करते हैं नीतीश कुमार की, और उनका जो विरोधी विपक्षी दल है वो तो शराब देखा के पीता, क्या करेंगे नीतीश जी, क्या कुछ नहीं कर सकते, डरता है सब, यहाँ आपस में लड़ना जानता है सब, बस एक दूसरे का विरोध करना जानता है सब, समझ में आ रहा है। देखो तारी दारू, ये दारू और शराब क्या है यार, ये पी लेने से एक परिवार का समझिए कि परिवार का जो मनोबल होता है ना टूट जाता है। अगर सोचिए किसी घर में एक ही मर्द है और उसका उसका उसी पर उसका परिवार डिपेंड, अगर वो शराब पी कर दिन भर मातल रहे हमेशा सुतल रहे तो क्या उसका घर का कंडीशन चलेगा। इसी कारण से आंध्र प्रदेश से स्टार्ट हुआ था तारी विरोधी आंदोलन, क्योंकि वहाँ के जो मर्द लोग थे ना वो मदिरा पी पी के शराब पी पी के सोए रहते थे, कोई काम धाम करते नहीं थे, तो औरतों को काम धाम करना पड़ता था, इसी कारण से औरतों ने उसका विरोध किया, जिसका खामियाजा मर्दों को भुगतना पड़ा। और बिहार में भी यही हुआ है और आज भी चलते रहती है तारी विरोधी आंदोलन होता है। देखो बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून क्यों लगाया, इसके पीछे का एक कारण है, वो दिख रहे थे कि यहाँ का मर्द लोग क्या था, पीपा कार थे, दारू खूब अपने महिलाओं को अपना बाल बच्चा खूब कूट रहे थे बढ़िया, तो कहीं ना कहीं ज्यादा तो औरतें प्रताड़ित हो रही थी बिहार की, इसी कारण से नीतीश कुमार ने शराबबंदी को रोक लगा दिया। अब क्या है ना, शराबबंदी लगने की वजह से अब सारे औरत शेर हो गई है, पहले औरतें बोलती नहीं थी लेकिन अब औरतें क्या शेर हो गई है, फटाके पूछेगी दारू पी के आ पाए हैं, फोन लगा देती है सब, पुलिस चली जाती है, अब मर्द भी सिकुड़ जाता है, पूछेगा दारू पी के आए, उनकी पत्नी पूछेगी अपनी मर्द से कि दारू पी कर आए, मर्द बोलता है कि नहीं हम दारू पी कर नहीं आए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाभ है। लेकिन पूर्णतः अगर शराबबंदी बिहार में बंद होना हो करना है ना तो उसका एक काम हमें करना पड़ेगा, पहले जो शराबबंदी कानून लागू किया ना वो अपने पार्टी को देखे ना, अपने अंदर ताक झांक करे कि हाँ भैया वो पी रहा है कि नहीं, आपके संग नीतीश कुमार जी जो है ना वो सब जो पार्टी आपके संग खड़ी है सब मारे खानी वो सब भी शराब का सेवन करते हैं, बहुत सारा पेपर आप देखे ना पेपर विधानमंडल में जहाँ बैठे तो वहीं पर शराब का बोतल मिला था, तो कहीं ना कहीं अपने पहले अंदर ताक झांक करनी पड़ती है, ठीक है। देखो तो किस देश में मतलब तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ था, याद देखिएगा ऑप्शन सी से होगा, आंध्र प्रदेश से तारी विरोधी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तारी विरोधी आंदोलन तारी के विरोध में आंदोलन शुरू हो गया था।